मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने बैतूल में बन रहे नए अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पोषण एवं पुनर्वास केंद्र, जिला विकलांग केंद्र का भी मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को कई सुधार के निर्देश भी दिए। साथ ही कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने यहां NRC में भर्ती मरीजों के परिजनों से कलेक्टर ने चर्चा की और बच्चों को कुछ दिन और भर्ती रखने की समझाइश दी है। उन्होंने ऑडियोमेट्री पेपर का निरीक्षण करके सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़ने के निर्देश भी दिए। जो नया भवन है, मुझे बताया गया है कि वो फिनिशिंग स्तर पे है और हैंडओवर की स्टेट में है। आज हम लोग देखने आए हैं यहाँ पे भवन को, तो इसमें कुछ अभी ऑक्सीजन कंडक्शन के केबल्स का काम बाकी है, कुछ शीशे वगैरह लगने बाकी हैं, कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। मेरी समझ से 10 से 12 दिन के अंदर हैंडिंग ओवर की कार्रवाई पूर्ण हो जाए। पुनर्वास केंद्र के अंदर मैंने जो अभी बच्चों की विजिट की पंजी देखी है, केवल 3 बच्चे आए हैं अभी तक और औसत बच्चों की संख्या 10 से 12 है प्रतिदिन। बहुत कम संख्या में बच्चे यहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए आ रहे हैं, पहली प्रॉब्लम यह समझ में आ रही है। दूसरा, यहाँ पे स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट जारी नहीं हुआ, वो फाइल अभी प्रोसेस में है, तो हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जारी करेंगे ताकि जो दूर दराज से लोग आते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए उनको सेवाएँ मिल सके। इसके अलावा जो लेआउट है अपने DDRC का, जिस प्रकार से उसका मेंटेनेंस और अपकीप किया जा रहा है, वो असंतोषजनक है, उसमें सुधार करने के लिए भी निर्देशित किया।